पर अयोध्या, सपा के पूर्व विधायक और 2019 में सपा से लोकसभा प्रत्याशी रहे आनंद सेन यादव ने सपा से बनाई दूरी। अयोध्या में अखिलेश यादव की जनसभा से भी पूर्व विधायक आनंद सेन यादव ने बनाई दूरी। अखिलेश यादव के मंच पर भी नजर नहीं आए पूर्व विधायक आनंद सेन यादव। पूर्व विधायक के भाई और पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव भी लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक रखी है। कम्युनिस्ट पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हैं अरविंद सेन यादव। सपा से आनंद सेन यादव ने आखिर क्यों बनाई दूरी? 2019 लोकसभा चुनाव में सपा ने आनंद सेन यादव को बनाया था प्रत्याशी। अयोध्या में आनंद सेन यादव की सपा से दूरी बनाने पर यादव वोट बैंक में हो सकती है सेंधमारी। अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने, अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए, अयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, जो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती अब, और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग हैं उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान हैं, और जहाँ किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। तो इस सरकार ने चंदा लेकर के, पैसा वसूल करके भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने का नया फार्मूला दिया है। और साधारण देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है आज? आज से 10 साल पहले मोटरसाइकिल क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, और जो दवाई हम आप सब खाते हैं, पहले 500 mg में ही बुखार ठीक हो जाता था, अब बताओ 650 खाना पड़ रहा है mg, उसके बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है, और दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, इलाज नहीं दे पा रही सरकार। जो व्यवस्थाएं बनाई थी, मेडिकल कॉलेज का समाजवादियों ने दी था, मेडिकल कॉलेज की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग जो है, जिनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, सबके अंदर एक उसकी क्षमता है, क्या इस बार अखिलेश यादव भी सीएम के रेस में है? ये रेस में उड़ी वो है आपको। देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं, तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा, ये चुनाव के बाद स्ट्रेटेजी का खुलासा होगा। एक काफी सवाल है, वो हालांकि इलेक्शन से आपसे जुड़ा नहीं, केजरीवाल के घर में मालीवाल का एक बड़ा विवाद आया, जो राज्यसभा है अलग से नहीं है, बाकायदा उसके पहले महिला आयोग के अध्यक्ष थी, बताया गया कि प्रधानमंत्री के आवास में इस तरह की चीजें। देखिए, ये क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है, क्योंकि आज हमारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस थी। हम लोगों ने राशन की गुणवत्ता, राशन की मात्रा को बढ़ाने का फैसला लिया, वहीं आटा और डाटा की बात की है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या थी पीछे। आपको
महिला सुरक्षा की बात लगातार करते हैं। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है और एक ही पार्टी की सांसद हैं, एक ही पार्टी से वो संबंध रखती हैं, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महिला सुरक्षा में तो आंकड़े जो बताते हैं उत्तर प्रदेश सबसे पीछे खड़ा है। अब चूंकि आप इलेक्शन नज़दीक हैं और आप दावा भी कर रहे हैं कि सरकार बनने की स्थिति में है, इंडिया गठबंधन, तो क्या कॉमन एजेंडा कोई बनेगा इस तरह? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और नहीं, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, लेकिन बहुत सारे बिंदु इसमें कॉमन हैं। किसानों का कर्ज माफ़ होना, माताओं बहनों को लखपति बनाना, बच्चों को नौकरी देना, 30 लाख जो जगह खाली है उनको देना, जाति जनगणना कराना, सामाजिक न्याय की बात करना, जिनके साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ उनको आरक्षण दिलवाना। मैं समझता हूँ हम सबका लार्जली जो घोषणा पत्र है वो एक सा है, और जब बहुत सारे घोषणा पत्र हैं तो जनता को तो बोलो तो बेस्ट चीज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की मनमर्जी से सब कुछ चल रहा हो, जो आत्म तुष्टिकरण के लिए कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इसलिए जनता को सबसे बेस्ट जो चीज़ होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने जा रहा है, उसके लिए जनता मतदान कर रही है।